मैंने इस साल रैंक 2 हासिल किया है जेके पीएससी सीसी एग्जामिनेशन में। चैलेंजिंग तो होता ही है क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है इस एग्जाम के लिए। इतना इजी नहीं है कि कुछ मंथ्स की प्रिपरेशन में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। पेरेंट्स का ही सपोर्ट है मेरे पास, बस तीन ही चीजें हैं, एक तो अल्लाह का साथ है और पेरेंट्स और अपना हार्डवर्क। मैंने इस साल रैंक 2 हासिल किया है जेके पीएससी सीसी एग्जामिनेशन में, जिसको हम जेकेएस एग्जामिनेशन कहते हैं कॉमनली। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है और उसके बाद मैंने एमएससी हॉर्टिकल्चर किया है स्कॉच शालीमार से, और 2021 में मैंने अपना एमएससी जो है वो कम्प्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपना कम्प्लीट फोकस जो है वो सिविल सर्विसेज पे ही रखा था, और ये 3 साल की प्रिपरेशन के बाद मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में जो है रैंक 2 आ चुका है। चैलेंजिंग तो होता ही है क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है इस एग्जाम के लिए। इतना इजी नहीं है कि कुछ मंथ्स की प्रिपरेशन में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसमें आपको इयर्स ऑफ प्रिपरेशन लगता है और काफी ज्यादा जो है आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है, और थोड़ा आपको पेरेंट्स का सपोर्ट भी होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए क्योंकि मटेरियल वगैरह भी लाना पड़ता है, और सबसे ज्यादा जो आपको जो है मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है थ्रू आउट द जर्नी। तो उसके लिए जो है मैं अपने पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा जो है शुक्र करती हूँ, शुक्रगुजार। ये तो हमेशा से था कि मैं क्योंकि मैं एक मतलब हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे हमेशा से था कि एक ऐसी जगह पे आऊँ जहाँ मैं भी किसी की हेल्प कर सकूँ, एक ऐसी पोजीशन पे आऊँ। तो सिविल सर्विसेज का हमेशा से था मेरे दिमाग में, लेकिन बीएससी में मैंने अपना एक हिसाब बना दिया था कि सिविल सर्विसेज कर लूँगी, और उसके बाद मुझे एमएससी भी करना पड़ा था, और उसके बाद मैंने कम्प्लीट फोकस लेकिन सिविल सर्विसेज पर ही दिया। पेरेंट्स का ही सपोर्ट है मेरे पास, बस तीन ही चीजें हैं, एक तो अल्लाह का साथ है और पेरेंट्स और अपना हार्डवर्क, और कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ बस इन तीन चीजों की वजह से ही पहुँची हूँ। शेड्यूल क्योंकि मैं कंप्लीट फोकस मेरा इतना ही है, इसी के साथ था, तो मेरा हर दिन कंसिस्टेंटली ही मैं इसके साथ ही रहती थी। 5 to 6 hours मुझे कंसिस्टेंटली इसके साथ देना पड़ता था, और रिविजन पे काफी ज्यादा फोकस मैंने रखा था। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन पर मैंने काफी ज्यादा फोकस किया हुआ था, और आंसर राइटिंग पे भी मैंने, क्योंकि मेरा इससे पहले भी एक अटेम्प्ट जा चुका है, उसमें मुझे लगा था कि मेन्स में मुझे थोड़ा बहुत जो है और इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो फिर मैंने मेन्स पे और थोड़ा बहुत अपना जो है एफर्ट एंड ये हो गया। तो हमें बहुत प्राउड फील है इस टाइम, इसने इतना टफ एग्जाम पास किया और इसका एम भी था, और इसने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया हर किसी साइड से, और हमें इस टाइम बहुत खुशी है, पूरे खानदान को, पूरे जुकूरा को इसकी बहुत खुशी है।